सीएम भूपेश बघेल बालोद जिले के लिए हुए रवाना, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पाटन और दुर्ग के छोड़ कोई भी विधानसभा में विकास नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ की सियासत में गौडसे को लेकर गदर, बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार, सुशील शुक्ला का गिरिराज पर हमला। जगदलपुर में आबकारी मंत्री के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, भाजयुमो ने किया जोरदार प्रदर्शन, आबकारी मंत्री ने महिलाओं का किया अपमान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर से हम इस बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पर अरुण साव का पलटवार, कांग्रेस के गोडसे वाले बयान पर उन्होंने निशाना साधा है। कहा है कि कांग्रेस बाबर और औरंगजेब का समर्थन करते हैं, वास्तव में बाहर के लोग हैं, यही का कहने का तात्पर्य है। धर्मांतरण पर सीएम के बयान पर यह पलटवार किया गया है। भूपेश सरकार में हो रहा खुलेआम धर्मांतरण, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पर अरुण साव का बयान सामने आया है, एक बड़ा हमला उन्होंने बोला है। साथ ही धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर भी सरकार का घेराव अरुण साव ने किया है। कांग्रेस के गौडसे वाले बयान पर भी उन्होंने बयान दिया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूपेश सरकार में खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है, यह अरुण साव का कहना है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस सरकार पर अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है। ये आज हर व्यक्ति जान रहा है कि भूपेश बघेल जी की सरकार के समय किस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है, कांग्रेस के संरक्षण में हो रहा है, सरकार के संरक्षण में हो रहा है। आयुक्त और एसपी का पत्र इसका उदाहरण है, और इसलिए भूपेश बघेल जी का बयान जो है वो बेबुनियाद और निरर्थक है। अरे आईडी नीचे करो यार। कांग्रेस के लोग बाबर औरंगजेब का समर्थन करते हैं, उन पर से ये उनकी प्रतिक्रिया है कि वास्तव में वो बाहर के लोग थे, यही उनका कहने का सार था। ये आज हर व्यक्ति जान रहा है कि भूपेश बघेल जी की सरकार के समय बेमेतरा में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी सीपीईबी रायपुर द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में जिले के 4,300 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। यहां परीक्षा लगातार तीन दिन 10, 11 और 12 जून को दो दो पालियों में आयोजित होनी है। इसके लिए जिला मुख्यालय सहित आसपास के शासकीय व निजी स्कूलों को मिलाकर कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रशासन की ओर से परीक्षार्थियों के लिए बैठक व्यवस्था सहित अन्य जरूरी तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं। और आज पहला चरण शिक्षक भर्ती परीक्षा की शुरुआत सुबह 9 बजे से शुरू हो गया, जो 12:15 बजे तक हुआ। वहीं सहायक शिक्षक के लिए द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हुई, जो शाम 5:15 बजे तक चली है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, एसआई आदिवासी महासभा की बड़ी रैली हुई है डिलिस्टिंग के विरोध में। आम सभा का आयोजन यहां किया गया है साइंस कॉलेज मैदान में। धर्म परिवर्तित आदिवासी जुड़े जनजाति सुरक्षा की मांग की
यहां पर बात की गई है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, ईसाई आदिवासी महासभा की बड़ी रैली हुई है, डिलिस्टिंग के विरोध में आम सभा का यहां आयोजन किया गया। साइंस कॉलेज मैदान में धर्म परिवर्तित आदिवासी जुटे। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, ईसाई आदिवासी महासभा की बड़ी रैली हुई, डिलिस्टिंग के विरोध में इस महासभा का आयोजन किया गया। ईसाई आदिवासी महासभा का यह आयोजन किया गया, बड़ी रैली यहां पर की गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव की अकस्मात मृत्यु के बाद जिला पंचायत सदस्य के लिए बीजेपी की दिव्या साहू ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर नामांकन भरने की प्रक्रिया को पूरा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनके साथ मौजूद रहे, पूरे दल बल के साथ पहुंचे। बीजेपी ने दिव्या साहू का समर्थन किया और उनका आगामी दिनों में साथ देने का भी निर्णय लिया गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए दिव्या साहू ने बताया है कि आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास वो करेंगे। जिला पंचायत सदस्य के लिए यहाँ पर चुना है, किस तरीके से काम करेंगे, किन वादों को लेकर आप अपने लोगों की नाराजगी आवास हमारी सरकार आएगी वो आवास तो चालू हो जाएगा, प्रधानमंत्री बना के देंगे। शराबबंदी का है, शराबबंदी का जल्दी के लिए किए थे उसका तो नहीं हुआ, हम लोग को कह रहे हैं शराबबंदी का। उम्मीद से आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी उम्मीद से है, उम्मीद है तभी आए हैं पार्टी में, है ना। हमारे पार्टी को भी उम्मीद है कि हम जीत के आएंगे इस करके, और जीत के आएंगे ही आएंगे। हमारी छोटी बहन दिव्या साहू भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य लेकर के आज मंडल उपाध्यक्ष है, बहुत ही पार्टी के प्रति समर्पित है। मैं पहले बार देखा हूँ कि सारे हमारे प्राथमिक सदस्य लेकर के पूर्व कैबिनेट मंत्री तक के एक ही नाम पे एग्री हुए कि उनके व्यवहार और पार्टी के प्रति समर्पण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, और हम सब बहन दिव्या साहू को जिताने के प्रतिबद्ध हैं। हम मतदाता तो पहले से ही देख रहे हैं, क्योंकि दामोदर जी का विधानसभा है, दामोदर जी ने चुनाव के पहले भी वादे किए थे, हम एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाए। जनता के साथ का क्षेत्र के लिए लड़ना था तो नहीं लड़ पाए, मंत्री बन के रह गए थे, उसके विरोध का परिणाम जनता पार्टी को सहायक। रायपुर में पुरी पीठाधीश्वर निश्चलानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण पर सियासी बयानबाजी पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि शासन तंत्र की दिशाहीनता की वजह से हिंदुओं को धर्मांतरित किया जाता है, सेवा के नाम पर अल्पसंख्यक बनाने का अभियंत्र है। शासन केंद्र की हो या प्रांत की, उसकी दिशाहीनता के कारण धर्म चूक करने वालों की दाल गलती है। निश्चलानंद सरस्वती ने आदिवासियों की डिलिस्टिंग सभा को लेकर भी बयान दिया है।
ये बोलता है तो कुछ सहमत होते हैं, कुछ सहमत होते हैं, भगवान राम ही वक्ता क्यों ना हो। सब तो सहमत नहीं हो पाते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा 75 पृष्ठों में लगभग पुस्तक है। गॉडसे जी ने जो वक्तव्य दिया बहुत मार्मिक है, लेकिन स्वयं स्वीकार किया उन्होंने, मैं अपनी मौत को स्वीकार करके ही गांधी जी को मारने जा रहा हूँ, या मैंने मारा फांसी की सजा के पहले। क्या वेदना थी उनको, उसको आप समझिए। गौडसे के विचार से मुझे सहमत असहमत मन मानिए, गौडसे जी की वेदना क्या थी उनकी पुस्तक को पढ़िए, जो प्रतिबंधित है किसी पुस्तकालय में हो तो पढ़िए, हमारे यहाँ शायद वृंदावन या कोई में है। पहली बात तो यह है कि आरक्षण क्या थी। सनातन धर्म में तो हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित है, इससे बढ़कर आरक्षण की व्यवस्था क्या हो सकती। बीपी सिंह के शासन काल में आरक्षण का कलंक भारत को दिया गया है, नहीं आपको मालूम है। उस समय में शंकराचार्य नेता मेरठ में था, बीपी सिंह ने आरक्षण का कलंक दिया। इस अभिप्राय से अंतिम सांस तक में प्रधानमंत्री बना रहूंगा, उनका मनोरथ तो पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन अब आप सुन ही लीजिए, प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि, प्रायोगिक नहीं तो शोध की भावना, प्रतंत्रता। वर्तमान आरक्षण में 5 दोष हैं। मेरठ में मैंने कहा था तब जब बीपी सिंह ने प्रिया इसको घोषित किया था, 5 दोष हैं। पहला दोष मैंने क्या कहा, प्रतिभा की हानि। जूनियर से जूनियर, जब सीनियर से सीनियर पद पर पहुंचता है, अयोग्य से अयोग्य, योग्य से योग्य व्यक्ति पर, तो प्रतिभा की हानि होती या नहीं, प्रगति की हानि होती या नहीं, प्रतिशोध की भावना बढ़ती है या नहीं, अप्रायोगिक भी नहीं है। आरक्षण में जितने व्यक्ति अधिकृत हैं उससे अधिक। गौडसे को लेकर एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस में संग्राम छिड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गौडसे का महिमा मंडन कर एक बार फिर से राष्ट्रपिता का अपमान किया है। यह भाजपा का गौडसेवादी चरित्र है। भाजपा के हर छोटे बड़े नेता ने कभी ना कभी गौडसे की तारीफ की ही है। यह सिर्फ बापू का नहीं पूरे भारत की जनता का अपमान है। प्रधानमंत्री जवाब दें कि वे अपने मंत्री के बयान से कितना सहमत हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने गौडसे का महिमा मंडन करके एक बार फिर से राष्ट्रपिता का अपमान किया। गौडसे आजाद भारत का पहला आतंकवादी था, उसने राष्ट्रपिता का खून किया था। महात्मा गांधी की हत्या के दाग गौडसे के दामन पर लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी न कभी गौडसे की हमेशा हर छोटे बड़े नेता ने तारीफ किया है। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने गौडसे को भारत का सपूत बता के भारत की जनता का अपमान किया है। अब बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें। कवर्धा में आज बीजेपी के दिग्गज जुटेंगे। कुर्मी समाज के 2 दिवसीय महाधिवेशन कार्यक्रम का समापन होना है। समापन कार्यक्रम में दिग्गज शामिल होने के लिए पहुंचेंगे पूर्व सीएम समेत नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कवर्धा जाने वाले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समापन कार्यक्रम में पूर्व सीएम समेत कई नेता प्रतिपक्ष यहां पर शामिल होने के लिए इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। कवर्धा में बीजेपी के कई दिग्गज आज जुटेंगे। कुर्मी समाज के महाधिवेशन कार्यक्रम का समापन समारोह है और इसे लेकर पूर्व सीएम समेत नेता प्रतिपक्ष कवर्धा में पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम समेत नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल 2 दिवसीय महाधिवेशन कार्यक्रम के समापन समारोह में कवर्धा पहुंचेंगे। कांग्रेस सरकार के आबकारी मंत्री और कोटा विधायक कवासी लखमा द्वारा बीजेपी नेताओं के ऊपर अभद्र भाषा का उपयोग किया गया, जिसके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बस्तर ने कोट चौक जगदलपुर में आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पुरजोर विरोध कर पुतला भी दहन किया। जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस सरकार के आबकारी मंत्री ने पूरी माताओं सहित समस्त महिलाओं का अपमान किया है, जो कि किसी भी तरह से उचित नहीं है।
संस्कारी मंत्री जो लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन भूपेश बघेल जी आज तक कवासी लखमा को हटाने की जिल्लत वो नहीं जुटा पाए हैं। इससे साफ पता लगता है कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की जो पार्टी है, किस प्रकार से असंस्कारी नेताओं को, असंस्कारी मंत्रियों को अपनी पार्टी में, अपने संगठन में जगह दे रखी है। जिस प्रकार से कवासी लखमा ने कांग्रेस के नेताओं के सहित में कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए गंदी गाली दी है, ये साफ प्रतीत होता है कि कांग्रेस का चाल और चरित्र कैसा है। अब खबर पंखाजूर से है, जहां पिछले दिन अंतगढ़ में प्रवेश के उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा की ओर से भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रति विवादित बयान देने पर पंखाजूर में जिला उपाध्यक्ष असीम राय के नेतृत्व में आबकारी मंत्री का पुतला दहन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पंखाजूर से प्रदीप कुमार विश्वास की रिपोर्ट देखिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का यहां विरोध प्रदर्शन हुआ है, आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ यहां जोरदार नारे भी लगाए गए हैं और साथ ही पुतला दहन भी किया गया है। आठ सूत्रीय मांगों के लिए छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ की 23 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से एस्मा लगाए जाने के विरोध में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला बस्तर ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लंच के वक्त कलेक्ट्रेट जगदलपुर चौक में आदेश की प्रतियां जलाई गईं और विरोध में नारे भी लगाए गए हैं। उसके बाद पटवारी संघ के धरना स्थल कृषि उपज मंडी परिसर जगदलपुर में जाकर उनकी मांगों का समर्थन किया। जैसा कि हमारे पटवारी साथी विगत लगभग 25 दिनों से हड़ताल पर हैं और 7 जून को सरकार के द्वारा एस्मा लागू किया गया, जबकि सरकार की यह नियम है पहले कि हम हड़ताल का एक महीने पहले हम अल्टीमेटम देते हैं, उसके पश्चात हम हड़ताल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आते हैं। सरकार के प्रतिनिधि जो होते हैं, सचिव है, डायरेक्टर है या मतलब मुख्य सचिव है, वो चर्चा के लिए हमको बुलाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सीधा सीधा एस्मा लागू कर दिया गया। छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के 23 दिनों से चल रही आंदोलन में 7 जून को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो एस्मा लागू किया गया है, इसके विरोध स्वरूप आज हम लोग यहां पे कलेक्ट्रेट चौक में उस आदेश की प्रतियां जलाए हैं और विरोध स्वरूप नारे लगाए हैं। हम यह चाहते हैं सरकार की, सरकार जो है वार्ता के माध्यम से एक सहानुभूतिपूर्वक पटवारी संघ की मांगों को पूरा करे, जिससे कि यह निर्वित ना आए और आप जो है इस प्रकार से एस्मा लगाकर हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, जिसका कि हम पुरजोर विरोध करते हैं। इन मांगों को सरकार का नकार, इस प्रकार का रवैया और हमारे आवश्यक मांग को ध्यान ना देना कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है और जिस प्रकार सरकार को ही बोला जाता है कि संवेदनशील सरकार पूरी तरह से संवेदनशील सरकार नहीं है, ये असंवेदनशील काम कर रही है। जो अपने जनता को सेवा देने वाले सेवक पटवारियों को आवश्यक मांगों को पूरा ना करना, शासन की इस प्रकार की नीति जो एस्मा लगाना गोट निंदा करते हैं और हम लोग पूरे साथी हड़ताल पे पूरी मजबूती के साथ शासन के इस नियम के विरुद्ध में और हमारा आंदोलन क्रांति निर्देश अनुसार सभी जिलों में और पूरे छत्तीसगढ़ में जारी है। अब बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से व्यापम की परीक्षाओं के लिए प्रोफाइल जरूरी, प्रोफाइल बनाने के बाद आवेदन करने में आसानी होगी, बार बार जानकारी भरने की समस्या से भी निजात मिलेगी। 7,80,117 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने अपना प्रोफाइल बनाया, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7,80,117 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने अपना प्रोफाइल यहां पर बनाया है और व्यापम की परीक्षाओं के लिए ये प्रोफाइल जरूरी है। प्रोफाइल बनाने के बाद आवेदन करने में भी आसानी होगी और बार बार जानकारी भरने की समस्या से भी
विद्यार्थियों को निजात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आप उनकी परीक्षाओं के लिए प्रोफाइल जरूरी है और इसे बनाने के बाद बार बार जानकारी भरने की समस्या से भी निजात अभ्यर्थियों को मिलेगी। नगर पालिका परिषद और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए मतगणना स्थल, नियंत्रण कक्ष और मतदान केंद्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। नगर पालिका परिषद बेमेतरा के वार्ड क्रमांक 6 मोहबट्टा और त्रिस्तरीय पंचायत जिला बेमेतरा में उप निर्वाचन संचालन के लिए नियुक्त प्रेक्षक राम अवतार दुबे, वन संरक्षक कार्य आयोजन मंडल बिलासपुर ने जिला मुख्यालय बेमेतरा स्थित निर्वाचन कार्यालय की व्यवस्था, मतगणना स्थल का अवलोकन किया और कार्यालय द्वारा निर्वाचन के लिए की जा रही तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।